ये है एक पंपकिन, ये है पूरा आइलैंड ऑफ पंपकिन्स। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो गाइस आई लव पंपकिन्स, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे एक पूरा आइलैंड बना लिया जाए, क्योंकि क्यों नहीं, तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं पंपकिन आइलैंड बनाने के लिए चाहिए होंगे पंपकिन्स, और उन्हें उगाने के लिए चाहिए होंगे कुछ टूल्स, जिसमें हमें चाहिए आयरन। अगर है तो यस यस वी हैव। यहाँ पे बना लेते हैं एक आयरन शवल और एक आयरन की हो, और हमें यहाँ पे चाहिए पंपकिन के सीड्स। प्लीज प्लीज यस वी हैव पंपकिन के सीड्स, लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड। ओह वेट वेट, बाकी सारे सीड्स तो पीछे ही रह गए। ओके, रास्ते में छोटा सा स्टॉप, और हमें यहाँ पे लगानी है कोई भी चैनल मुझे इस वक्त मिलेगी, मैं वो ले लूंगी, लिटरली कोई भी। ओके, फॉर्चून वन ऑन हो, इसका क्या मतलब है फॉर्चून वन, और अनब्रेकिंग 2 मिल गई, थैंक यू। सो गाइस ये है, हेलो देयर, ओह ये हमारी सिर्फ पंपकिन की रखवाली शीप है। सो गाइस ये है हमारा ग्लोरियस पंपकिन फॉर्म, और हमारे सामने है सिर्फ वो वाला आइलैंड, तो क्यों ना उस पूरे आइलैंड पे पंपकिन की आर्मी बरसा दी जाए। सो लेट्स गेट टू वर्क। ये बहुत लंबा काम होने वाला है। सो लास्ट वीडियो में हम कुछ कैक्टस भी लेके आए थे, सो उन्हें भी हम यहीं पे उगा देते हैं। यस, स्वीट ड्रीम्स, गुड मॉर्निंग गाइस, न्यू डे न्यू वर्क, जल्दी से हम यहाँ पे काम निपटाते हैं। लास्ट वीडियो में हम बैम्बूज भी लेके आए थे, तो उन्हें भी यहाँ पे उगा देते हैं। गाइस बारिश में पंपकिन फार्म करने से बेहतर कौन सा काम है दुनिया में। A few moments later. ओके, हमारे पास इतने सारे पंपकिन हो चुके हैं, लेट्स गेट ऑल ऑफ देम, हमारी पूरी इन्वेंटरी भर चुकी है। 3, 2, 1, लेट्स गो, और हमला कर देते हैं इस पूरे आइलैंड पे अपना। ओके, यहाँ पे है एक बीच। ओ हेलो टर्टल, हेलो क्यूटी। सो ये है इस आइलैंड का पूरा एरिया, जो कि पूरा सैंड से भरा हुआ है सिर्फ अभी के लिए। टर्टल एग्स, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो हियर इज द प्लान, ये है आइलैंड, लेकिन ये पूरा एक आइलैंड नहीं है, क्योंकि इसकी चारों साइडों पे पानी नहीं है गाइस, सिर्फ इस साइड पे पानी है। एंड गाइस इसको एक आइलैंड बनाने के लिए आई हैव परफेक्ट आइडिया, लेट्स गो। सबसे पहले हम यहाँ पे पंपकिन्स लगा देते हैं, ताकि इस जगह को हम मल सके। क्रिंज इनटू 100 हो गया। ओ टर्टल, बहुत सारी बीचेस है माइनक्राफ्ट में, आई एम श्योर तुम्हें कोई घर मिल जाएगा, गो गो क्यूटी, बाय बाय। ओके गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ अपने आइलैंड की बाउंड्री। अबे जल्दी बोल। बहुत अच्छा लगने वाला जब ये पूरा आइलैंड हमारे नाम का हो जाएगा। सो गाइस यहाँ तक है हमारे आइलैंड की बाउंड्री। ओके गाइस, बाउंड्रीज ऑल डन, बाउंड्रीज ऑल डन, लेट्स गेट पंपकिनिंग। व्हाट, हमने इस आइलैंड का तकरीबन 1/4 हिस्सा अपने नाम यहाँ पे कर लिया है, बट वी आर आउट ऑफ पंपकिन, लेट्स गो होम। और मैं यहाँ से एंटर कैसे हूँ? ओके, ओ ओ, दे आस्क यू हाउ यू आर, यू जस्ट हैव टू से दैट यू आर फाइन व्हेन यू आर नॉट रियली फाइन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेफ्ट हैंड, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ एन्चेंटमेंट्स, क्योंकि मेरे टूल कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे। सो ये फार्मर अभी तक तो इसको मुझे, खैर देखते हैं ये लोग अपनी कब्र में कैसी पार्टी कर रहे हैं। हेलो विलेजर्स, ओह नहीं, ये वाला तो पावर 5 वाला विलेजर है, टू बैड। तो तुम लोग एंजॉय करते रहो अपनी अंडरग्राउंड पार्टी, हमें अपने लिए खुद ही कोई जुगाड़ लगाना होगा। वंस अगेन बहुत सारे पंपकिन्स, लेट्स गो टू दिस आइलैंड, और हमें यहाँ पे लैंड करने के लिए नीचे पंपकिन्स लगाने पड़ेंगे। लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। एंड गाइज मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये एंड पे बहुत जबरदस्त बना था। ओके, एक दफा फिर से वापस नूप वाली एंट्री, नहीं प्रो वाली एंट्री, प्रो वाली एंट्री। ओके, इस दफा हमने सिर्फ एक ही सीट तोड़ा है, बेटर। सो गाइज ये हमारे आइलैंड की बाउंड्री, और मैं नहीं चाहती कि हमारे आइलैंड पे कोई भी पीछे से आके ऐसे धावा बोल के अंदर एंटर हो जाए, नो 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 नो। तो हम यहाँ पे करने वाले अपने आइलैंड की साथ वाली जगह को खाली, और अपने आइलैंड को बनाने वाले हैं कंप्लीट ऑफिशियल आइलैंड। ओके, मेरी इन्वेंटरी यहाँ पे भर चुकी है, बट दिस इज लुकिंग सो गुड। ओके, अपनी सारी इन्वेंटरी को खाली करते हैं, और लेट्स फिनिश दिस वर्क, आई एम सो एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज द डे कि हम अपने आइलैंड को एक आइलैंड बना लेंगे। वाओ, ये अभी से एक आइलैंड वाली फील दे रहा है। यस, ये साइन यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड यस गाइस, हम इस पूरे आइलैंड की सराउंडिंग्स में भरने वाले हैं पानी, ताकि हमारा आइलैंड बाकी सारे लैंड से अलग हो जाए। एंड गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कैल्प हमारी मदद करेंगे। एंड अगर हम इन्हें यहाँ पानी में लगा दें, यस, ये पानी का लेवल ऊपर तक बढ़ देती है, दिस इज सो कन्वीनियंट। यस गाइज, इसकी बात कर रही थी मैं, यस 200 IQ। आउ आउ आउ, और गाइस हमें दोबारा जाके कैल्प लाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी वाले कैल्प को तोड़ के दोबारा लगा सकते हैं। आई एम सो जीनियस। ओके
ओके गाइस, हमारा आइलैंड पूरी तरह से ऑफिशियली आइलैंड बन चुका है क्योंकि ये साइड पे किसी लैंड के साथ भी अटैच नहीं है। हेलो गायो, प्लीज रिपेयर माय एक्स। गाइस, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और इसे एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज हिट सब्सक्राइब, क्योंकि यूट्यूब कहती है कि मेरे चैनल को 100,000% लोग अनसब्सक्राइब्ड है। क्या कर रहे हो यार? गाइस, अ वेरी स्पेशल मैसेज, अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं 20 लाइक्स तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्ले द अंडर ड्रैगन। ओके गाइस, आवर पंपकिन इज लुकिंग वेरी नाइस। हमें यहाँ पे चाहिए होंगे ट्रेडिंग के लिए पोटैटोस। इसने अपनी आलू वाली ट्रेड भी बंद कर दी है। देखते हैं ये वाला विलेजर यहाँ पे क्या दे रहा है। किसी काम के नहीं है ये लोग। यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे भी उगा देते हैं। ओके गाइस, दैट वाज अ डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे चाहिए मुझे पिकैक्स, उस पे मिली है फॉर्चून 1, ले लूंगी मैं। अब यहाँ पे मुझे लेना है बहुत सारा कोल और इस सारे के सारे कोल को मुझे यहाँ पे करना है माइन, क्योंकि आई नीड कोल। एंड गाइस, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मुझे ये कोल क्यों चाहिए था, बल्कि अभी पता चलने वाला है क्योंकि मैं कोल से टॉर्चेस बना रही हूँ। लेकिन टॉर्चेस हमें किस लिए चाहिए थी? ओके गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपना मास्टर प्लान। अगर मैं इस पूरे आइलैंड को सिंपल फ्लैट पंपकिन से कवर कर दूंगी तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। सो गाइस, माइनक्राफ्ट में पंपकिन से रिलेटेड और भी चीजें होती है, जैसे कि क्राफ्ट पंपकिन और जैक ओ लैंटर्न्स और पंपकिन के अपने सीड्स। सो मैं यूज करने वाली हूँ वो सब कुछ इस आइलैंड को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्लोरियस बनाने के लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे बनाने की एक ट्री इन कार्व पंपकिन से, और यहाँ पे बनाते हैं कुछ जैक और लैंटर्न्स। ओ, मुझे चाहिए होगी डर्ट। ओ ओ ओ सॉरी फ्लावर, एक सेकेंड। सो ये है हमारे ट्री की स्टेम और इसके ऊपर जैक और लैंटर्न से मुझे लीव्स बनाने हैं। ब्रिलियंट आइडिया, पहले मुझे इन सारे पंपकिन्स को कार्व कर लेना चाहिए। ओके गाइस, लेट्स सी ये कैसा बना है। प्लीज फिंगर्स क्रॉस्ड। नाइस नाइस नाइस। बस इन जैक और लैंटर्न की शक्ल मुझे अपनी वाली साइड को करनी है। बूम, यस, इसकी बात कर रही थी ना मैं। स्वीट, और बिल्कुल इसी तरह के ट्रीज में पूरे आइलैंड में फैला देने वाली हूँ। तो वो ट्री हो गया वहाँ पे, और ये वाला हम बना देते हैं कुछ इससे दूर, कुछ डिस्टेंस में, कुछ ज्यादा क्राउडेड भी ना हो जाए ना इसलिए। ओके, ये बहुत लंबा काम होने वाला है। एंड बूम, सेकंड ट्री इज ऑल डन गाइस, लुकिंग वेरी वेरी स्वीट। और सबसे मुश्किल काम यहाँ पे है जैक ओ लैंटर्न्स को साइड पे मूव करके उनका लगाना। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डर्ट क्यों लगा रही हूँ, मुझे तो ये पूरा आइलैंड बनाना है पंपकिन से। तो मैं हूँ दी नूबड़ी और ये आइलैंड है दी नूबड़ी का। सो हम इस आइलैंड पे लिखने वाले हैं अपना नाम, इस आइलैंड पे लिखने वाले हैं अपने इनिशियल्स जो के हैं डी और एन। देखते हैं हमने अपनी स्किन पे कैसे लिखे थे। भूल गया, अभी भी नजर नहीं आ रहा। ओके ओके, देखते हैं ये डी लग भी रहा है ऊंचाई से कि नहीं। लग रहा है, लग रहा है। अब बारी है एन की। सही है, एन लग रहा है यहाँ पे, एन लग रहा है यहाँ पे। और इस डर्ट पे भी मैं पंपकिन उगाने वाली हूँ गाइस, क्योंकि ये पूरा आइलैंड बना है ओनली एंड ओनली माय लव पंपकिन से। सो लेट्स कंप्लीट दिस थिंग, और उसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 मन पंपकिन और गाइज, वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ पंपकिन। अपने सारे अच्छे बाहर चलते हैं और आई हैव एन अमेजिंग प्लान कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं उस दिन इनको 40 घंटे ढूंढती रही हूँ आउटपोस्ट पे, तो ये मिले नहीं और अब मेरे घर पे आ रहे हैं। खड़ी रहो बुदेरी। सो गाइस, नेक्स्ट प्लान, हम बना सकते हैं एक मॉब और वो है स्नो गोलम, जो कि बनता है कार्व पंपकिन से। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मुझे लगता है कि जब हमने हार्डकोर का वर्ल्ड बनाया था तो मैं कहीं स्नो वाली जगह पे स्पॉन हुई थी। ओ, फ्री के पंपकिन, थैंक यू सो मच। व्हाट द फ्रिज इज हैपेंड हियर, वाओ, ये एक वुडलैंड में। नो, यहाँ पे ये क्या हुआ हुआ है इस पूरे के पूरे जनरेशन को। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था, बिल्कुल मेरे स्पॉट के पीछे एक विलेज भी है। वेल हेलो विलेज एंड थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मेरे पीछे मेसन भाइयों में, किसी ने मुझे नहीं बताया। हमारे इस प्यारे फार्म की रखवाली करने के लिए यहाँ पे है एक शीप। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ कि हमें इस बॉडीगार्ड का क्या नाम रखना चाहिए। कमेंट गाइस, प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियोस, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, बैक टू माइनिंग पंपकिंस, हियर वी गो। आई होप कि ये लास्ट ट्रिप हो प्लीज। यहाँ पे कार्ड पंपकिंस और जैक ओ लैंटर्न्स भी लगा देते हैं क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हाउ विल दे नो, मुझे यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ कुछ ब्लॉक्स पंपकिंस अभी भी और रहते हैं। सो गाइस, ये ऑफिशियली मेरा लास्ट ट्रिप है, आई थिंक, आई गेस, आई होप, एंड यस, आवर आइलैंड इज कंप्लीट। गाइस,
ये बहुत अच्छी फीलिंग है पूरे का पूरा आइलैंड अपने नाम करने की। आओ एंड गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि पूरे आइलैंड को मुझे क्या नाम देना चाहिए। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द